नमस्कार, मैं हूं राखी सिंघल और आप देख रहे हैं एशिया नेट न्यूज हिंदी का फेसबुक लाइव। 10 फरवरी से 10वीं और 22 फरवरी से 12वीं सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। ऐसे में बहुत ही कम समय बचा है परीक्षा की तैयारियों के लिए, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि इन परीक्षाओं की तैयारी के दौरान छात्रों को, विद्यार्थियों को क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे की वजह से वो डिप्रेशन में ना जाए, परीक्षा का एकदम से बोझ उनके ऊपर ना पड़े। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीबीएसई काउंसलर डॉक्टर शिखा रस्तोगी। मैम, आपका स्वागत है एशिया नेट न्यूज़ में। थैंक यू मैम। क्योंकि बहुत कम समय बचा है, सीबीएसई की परीक्षा को दहलीज पर आ गई है, नजदीक है, तो ये जब कम समय बचे आता है तो बच्चे रिवीजन करने का ही वक्त होता है, लेकिन बच्चे इस वजह से डिप्रेशन में बहुत चले जाते हैं। कभी बच्चों को लगता है कि पूरी तरीके से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, जो बुक उन्हें पढ़नी चाहिए वो नहीं पढ़ रहे, बहुत सारी समस्या उनको आनी चाहिए। ऐसे में क्या ऐसा वो करें जिसकी वजह से स्मूथली उनकी पढ़ाई चलती रहे? जैसे आपने खुद कहा कि बहुत कम समय बचा है हमारे पास, तो बच्चों को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि हमें अपनी फाइनल तैयारी जो है या फाइनल रिवीजन जो है वो हमें कैसे करना है। तो फाइनल रिवीजन के लिए अब जो समय बचा है उसको डिवाइड कर लें, अपने एक शेड्यूल बना लें और जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करें। इस समय एडवाइजेबल होता है कि नए चैप्टर्स को आप टच ना करें, अदरवाइज आपका बहुत समय भी जाएगा और आप उसमें परेशान ज्यादा हो जाएंगे। तो जो चैप्टर्स पढ़ने हैं आप उनका बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए और सैम्पल पेपर जरूर सॉल्व करिए, लिखकर प्रैक्टिस करिए। कई बार बच्चे लिखकर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, केवल पन्ने पलटते जाते हैं और उनको लगता है कि हमारा रिवीजन हो गया है, बट ऐसा नहीं होता है। जब आप लिखते हैं तो एक तो आपकी राइटिंग स्पीड मेंटेन होती है और जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं तो वहां पर आपको अपने एरियाज जो वीक एरियाज हैं वो पता चलते हैं, उनका वर्क कर सकते हैं। और अगर आपने पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया तो निश्चित रूप से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एक और चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है इस परीक्षाओं के दौरान कि एकदम से प्रेशर जब पड़ता है, एक माँ बाप का प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, जैसे कंपटीशन जिसे कहते हैं कि माँ बाप कहते हैं कि आपको 90% मार्क्स ही लेके आने चाहिए, इस बच्चे से भी बच्चा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कि पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है और अगर 90% मार्क्स नहीं आए तो पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगी, इस वजह से भी इस टाइम बच्चों माँ बाप की क्या भूमिका होती है? देखिए, बहुत सारे प्रेशर होते हैं बच्चे के पास। एक तो पढ़ाई का प्रेशर होता ही है, साथ में पेरेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, स्कूल प्रेशर, सोशल प्रेशर, ये सारी चीजें होती हैं जो बच्चे पे कहीं ना कहीं अपना प्रभाव डाल रही होती हैं जिस समय बच्चा परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है और वो जब अपने रिजल्ट की सोचता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स की ओर से प्रेशर रहता है कि नहीं आपको ये ग्रेड लाना है, आपको मिनिमम इतने परसेंट तो लाना ही होगा, आप दिन रात मेहनत करो, जैसे भी करो। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चा बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इन बातों के कारण बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है। तो वो जो स्ट्रेस होता है वो उसके परफॉर्मेंस को खराब करने लगता है और उस स्ट्रेस के कारण से बहुत बार बहुत मेहनत करने के बाद भी बच्चा बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो पेरेंट्स के लिए मेरी एडवाइस ये है कि पेरेंट्स बच्चों पे किसी तरीके का प्रेशर नहीं बनाएं, बच्चों को कंपेयर नहीं करें किसी के साथ, आपस के भाई बहनों के साथ या किसी दोस्त के साथ या किसी पड़ोसी या रिलेटिव के साथ, नहीं किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करें कि उसने ऐसा किया तो तुम्हें भी ऐसा करना है। इस समय आवश्यकता होती है कि पेरेंट्स अपना पूरा सहयोग दें, उनकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होती है, बच्चे का मनोबल बनाए रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें और बच्चे को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें, ये बहुत जरूरी होता है। किसी प्रेशर के बजाय उनका स्टेटमेंट होना चाहिए कि आप अपनी ओर से 100% दो, अपनी ओर से मेहनत करो, जो भी रिजल्ट होगा वो एक्सेप्टेबल होगा, ऐसे में बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। पेरेंट्स की भूमिका भी बहुत जरूरी है। एक और चीज, जिस तरीके से मैम देखा जाता है कि सारी सब्जेक्ट बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई ना कोई डाउट ऐसा रहता है कि इस सब्जेक्ट में हम वीक हैं, पूरी तरीके से तैयारी नहीं हो पाई है। 10 सब्जेक्ट है उसमें से 9 की तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन एक सब्जेक्ट की वजह से लेकर बच्चा बहुत ज्यादा परेशान रहता है, तो जब उस सब्जेक्ट की तैयारी नहीं हो पाती और परीक्षा का इस वक्त कम समय है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, एक चीज तो निश्चित है कि बच्चों को एग्जाम सारे सब्जेक्ट्स का देना है, उसमें कहीं कोई कंसेशन नहीं होता, कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है। तो जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं तब उनको अपने शेड्यूल में सारे सब्जेक्ट्स को रखना चाहिए। पहली चीज तो जब वो ऐसा करेंगे तो उनके सारे सब्जेक्ट पैरेलली तैयार होते जाएंगे और उनको आगे चल के कोई परेशानी नहीं होगी। अब जो समय बचा है उसमें अगर बच्चे को ज्यादा परेशानी आ रही है और उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो अगर माँ बाप मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, अपने टीचर से आप कंसल्ट कर सकते हैं और जो चैप्टर्स जिनके वेटेज ज्यादा हैं उन पे आप ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।
कि इस ड्यूरिंग में क्योंकि बहुत कम समय है, तो क्या ये सही है कि हम ट्यूशन की तरफ बच्चे, जैसे कोई सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा है तो बच्चे ट्यूशन भी लगाते हैं, घर पे टीचर ट्यूचर भी पढ़ाने आते हैं, तो ये कभी कभी बच्चों को लगता है कि नहीं ट्यूशन नहीं लगाना चाहिए, इसे बहुत सारी चीज़ें हौच पौच हो जाएंगी, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सलाह भी लेते हैं टीचर्स की और घर पर पढ़ते भी हैं, तो क्या मतलब दोनों चीज़ें सिमिलर हैं, सही है ये अगर ट्यूचर हमें पढ़ा रहा है या फिर सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेटर है? देखिए अब जो टाइम है वो ट्यूशन का, कोचिंग का, ट्यूटर का, वो सारा टाइम निकल चुका है। अब जो टाइम है वो सिर्फ सेल्फ स्टडी का टाइम है कि आपने अभी तक पूरे साल में जो पढ़ाई की है उसको आप रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए और अपना एग्जाम दीजिए। तो ये जरूर है कि आपको अगर कहीं दिक्कत का सामना आ रहा है तो आप अपने स्कूल टीचर से या अपने ट्यूशन टीचर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, बट टाइम है ये सेल्फ स्टडी का। आप जितना ज्यादा सेल्फ कंसंट्रेट होंगे, अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। और जिस तरीके से क्योंकि बिल्कुल CBSE के एग्जाम्स हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को खुद ही अपने दोस्त में, जैसे आपने ग्रुप स्टडी की बात करी, तो बच्चों को ये लगता है कि मेरे दोस्त है उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, मेरी तैयारी नहीं हुई है, उसने वो सब्जेक्ट पढ़ लिया, मैंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो, तो क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों को? देखिए जैसे मैंने पहले भी एक चीज कही कि सेल्फ सेंटर्ड होना चाहिए, सेल्फ स्टडी पे ध्यान रखना चाहिए, दूसरा क्या करना है वो सोच के निगेटिविटी डेवलप नहीं करना चाहिए। और जो निगेटिव लोग हों, कई बार बच्चे डराते भी हैं, अरे मैंने ये नहीं पढ़ा तुमने पढ़ लिया क्या, यही आ जाएगा, तो इस तरीके के भी बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, ऐसे लोगों से खुद को दूर रखना चाहिए जिससे आपकी पॉजिटिविटी मेंटेन रहे। और रही पढ़ाई की बात, तो जो सिलेबस आपके पास है, जो CBSE ने दिया है सिलेबस, उसी में से आपके कोर्स आएंगे, आपके पास NCERT की बुक है, तो आप अपने सिलेबस अपनी बुक पर कंसंट्रेट करिए और उसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए, बिल्कुल कूल होके अच्छे तरीके से एग्जाम्स में। और खान पान की जिस तरीके से बात करें कि अब क्या कुछ खाना चाहिए जिससे प्रेशर ना पड़े, एक होता है कि बच्चे एग्जाम से पहले कई बच्चों की शिकायत होती है एग्जाम फीवर उनको हो जाता है, बुखार आ जाता है, कभी ऐसी शिकायत हो जाती है, वो डर घबराहट उसे कैसे भगाया जाए? देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो स्ट्रेस के कारण से जो परिलक्षित होती हैं, स्ट्रेस के कारण से बॉडी में कुछ रिएक्शन देखने को मिलते हैं, उसमें फिजिकल भी होते हैं, मेंटल भी होते हैं और इमोशनल भी होते हैं। तो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जैसे घबराहट होना, लूज मोशन होना, बॉडी एक होना, तो इस तरीके से परेशानियां बढ़ने लगती हैं। जो इमोशनल सिम्टम्स होते हैं उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेटेड रहता है, तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि बच्चा जो है वो स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा। तो पेरेंट्स को भी इन चीज़ों को समझना चाहिए कि अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो बच्चा स्ट्रेस में है, बैठ के बच्चे के साथ बात करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए और जो पढ़ा है उसी की प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ के एग्ज़ाम देने की ज़रूरत होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर स्ट्रेस है तो आप अपनी दिनचर्या को बहुत व्यवस्थित करें और अपने खान पान का बहुत ध्यान रखें, साथ में पढ़ाई अपने टाइम टेबल के अनुसार करें। कई बार बच्चे से पढ़ाई करते रहते हैं तो स्ट्रेस के कारण से उनकी डाइट या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है या बिल्कुल कम हो जाती है, वो इग्नोर करने लगते हैं कि खाना नहीं खाना, समय पर ब्रेकफास्ट नहीं करना। वैसे में पेरेंट्स का रोल होता है कि बच्चों के खान पान का ध्यान रखें और उनको अच्छी डाइट दें, लाइक जो स्प्राउटेड है या पूरा मील है जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल भी हो, प्रोटीन भी हो, ऐसी डाइट बच्चों को दे। इसलिए कहा जाता है जो इंडियन थाली होती है वो बहुत अच्छी होती है खाने के लिए, वो बच्चों को देना चाहिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहना चाहिए, ब्रेड को हाइड्रेट रखना चाहिए, उसके लिए पानी पीते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी को अवॉइड करना चाहिए, और जो जंक फूड है ऑलवेज कहा जाता है वो एडवाइजेबल नहीं होता है, तो पौष्टिक खाना खाएं और अपनी पढ़ाई करें। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे रात भर पढ़ाई करते हैं और वो नींद को भगाने के लिए चाय या कॉफ़ी का सहारा लेते हैं, तो ये सही नहीं है? देखिए एक दो कप चाय कॉफ़ी तो ठीक है, बट बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, उससे आपके जो साइड इफेक्ट्स आते हैं, स्टमक गड़बड़ हो जाता है, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो परेशानियां फिर सामने आने लगती हैं, इसलिए एक बैलेंस डाइट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम में अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी करें, और पेरेंट्स की भूमिका ये है कि बच्चों को समझाएं, ना कि उन पर कोई प्रेशर डालें, कॉम्पिटिशन नहीं बल्कि बहुत प्यार से अच्छे से उन्हें एग्जाम देने के लिए प्रेरित करें। कर एग्जाम फतेह में ये हमारी सीरीज हम चला रहे हैं और इसमें हम आपको बताएंगे, टिप्स देंगे कि किस तरीके से अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें और परीक्षा की तैयारियों के दौरान किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से आप अपनी पढ़ाई को रख सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, और देखते रहिए एशियानेट न्यूज हिंदी।